तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्पिंग हैंड ट्रेडर्स में। तो गाइस, अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड क्वार्टर वन 2021-22 का रिजल्ट आ गया, तो चलिए रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। पर उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आप स्टॉक मार्केट और रिजल्ट से रिलेटेड सबसे सारी खबरें सबसे पहले प्राप्त कर सकें। चलिए बिना देरी करे सीधा रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। तो कंपनी को इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो अपने ऑपरेशन से वो हुआ है 27,04,65,504 रुपीज़, जो कि लास्ट क्वार्टर में हुआ था 77,72,98,720 रुपीज़, और जो लास्ट ईयर क्वार्टर वन में हुआ था 23,73,89,849 रुपीज़। गाइस, अब हम बात करते हैं कंपनी के अदर इनकम सोर्स की। तो कंपनी को इस क्वार्टर में अदर इनकम से 17,26,000 रुपीज़ की अर्निंग हुई है, जो कि लास्ट क्वार्टर में हुई थी 8,27,000, और लास्ट ईयर थी 16,74,000। तो कंपनी की जो टोटल रिवेन्यू जनरेट हुआ है वो इस क्वार्टर में हुआ है 27,21,92,000, जो कि लास्ट क्वार्टर में हुआ था 77,81,26,000, और लास्ट ईयर हुआ था 23,90,64,000। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कंपनी का जो इस क्वार्टर में रिवेन्यू जनरेट हुआ है वो लास्ट क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी कम हुआ है, पर अगर हम उसको लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो रिवेन्यू ज़्यादा जनरेट हुआ है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंस की, तो कंपनी को जो टोटल एक्सपेंस हुआ है इस क्वार्टर में हुआ है 25,81,68,000 का, जो कि लास्ट क्वार्टर में हुआ था 72,84,84,79,000 का, और लास्ट ईयर हुआ था 22,70,60,000 रुपीज़ का। तो अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स की बिफोर पेइंग द टैक्स, तो गाइस, जो कंपनी को प्रॉफिट्स जो है टैक्स पे करने से वो है इस क्वार्टर में 1,40,23,000 रुपीज़, जो कि लास्ट क्वार्टर में थे 4,96,46,000, और लास्ट ईयर थे 1,19,98,000। तो गाइस, अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स आफ्टर द टैक्स, कंपनी को इस क्वार्टर में 58,54,000 का प्रॉफिट हुआ है टैक्स पे करने के बाद, जो कि लास्ट क्वार्टर में होता 3,12,55,000 रुपीज़ का, और लास्ट ईयर हुआ था 96,24,000 रुपीज़ का। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं टैक्स पे करने के बाद इस क्वार्टर में लास्ट ईयर और लास्ट क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी गिरे हैं। अगर हम देख लेते हैं कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर को, तो गाइस, जो कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर हैं वो इस क्वार्टर में है 0.28 रुपीज़ के, जो कि लास्ट क्वार्टर में थे 1.51 रुपीज़ के, और लास्ट ईयर थे 0.046 रुपीज़ के। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर भी इस क्वार्टर में लास्ट ईयर और लास्ट क्वार्टर के मुकाबले गिरे हैं। गाइस, कंपनी का रिजल्ट इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ा बुरा आया है। और हाँ गाइस, कंपनी ने इस पर डिविडेंड भी डिक्लेयर करा है, जो कि है 0.25 रुपीज़ पर शेयर का, और उसकी रिकॉर्ड डेट है 17 सितंबर 2021। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी खबर सबसे पहले प्राप्त कर सकें।